हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शगुटिकस क्रिएटिविटी। सो आज मैं लेके आ गई हूँ और एक वेनिला फ्लेवर की केक। ये वाला जो केक है आपको देखते ही मतलब आंखों में शांति मिलेगी। मतलब इसका जो कलर है, मतलब आप लोग समर कलर भी कह सकते हो। बहुत ही सोवर सा एक केक है। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने बनाया। तो मैंने ले लिया है बेस है नॉर्मल वेनिला फ्लेवर की, और क्रीम सोक करने के बाद मैंने क्रीम स्प्रेड कर दिया है। और ये रहा चॉकलेट गनास। तो मेरा फ्रेंड ने ऑर्डर दिया था, तो उनको मतलब वेनिला केक ही चाहिए था, लेकिन अंदर थोड़ा सा चॉकलेट का टेस्ट चाहिए था। तो मैंने खुद से जो है चॉकलेट गनाश को ऐड किया, चॉकलेट को मेल्ट करके फिर इसको ऐड किया। उसके बाद मैंने दूसरा लेयर रख दिया है और शुगर सिरप से सोक। एंड अभी क्रीम में स्प्रेड करूँगी। तो क्रीम आपको इवेनली स्प्रेड करना है। और ये वाला जो केक 1 पाउंड की है, लेकिन इसका जो हाइट है थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे फ्रेंड ने बोला था कि थोड़ा सा मतलब टॉल देखना चाहिए। और इसका जो डिज़ाइन भेजा था उसका भी डिज़ाइन टॉल में ही था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए थोड़ा सा कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है इस केक की मतलब जितने हम लोग 1 पाउंड केक के लिए जितनी हम लोग प्रीमिक्स लेते हैं, उसी से थोड़ा सा मतलब 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा मैंने लिया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से जितने भी गनाश था मैंने पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और गनाश आप देख सकते हो बहुत ही ठीक सा है, क्योंकि अगर लिक्विड होता तो मतलब स्लिप करता ना। तो इसलिए मैंने जो है पूरा गनाथिक गनाश मैंने स्प्रेड किया है। और ये रहा टॉप लेयर, मतलब ये बॉटम लेयर था, उसको मैंने फ्लिप करके टॉप में प्लेस किया, क्योंकि हम लोगों को केक की जो सरफेस है हमें क्लीन चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ी सी क्रीम की मदद से हम लोग पूरी केक की क्रम कोटिंग करेंगे। और फ्रेंड ने बोल दिया था कि ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करना है, उन लोगों को क्रीम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश करूँ जितना हो सके कम क्रीम यूज़ करूँ। उसके बाद स्क्रैपर की मदद से जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी मैंने हटा दिया है और फाइनल आइसिंग करूँगी। तो फाइनल आइसिंग मैं पाइपिंग बैग की मदद से करते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये रहा वो कलर, मतलब लाइट स्काई कलर, और समर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला लाइट कलर। और केक के ऊपर स्काई कलर, ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो अभी क्रीम अप्लाई कर दिया है और स्क्रैपर की मदद से साइड की क्रीम को मैं जो है मैं स्मच करूँगी। आप लोग पैलेट नाइफ की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्क्रैपर की मदद से एक ही बार में जितनी हो सके मैंने क्लीन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ऊपर में मैं स्पैचुला की मदद से पैलेट नाइफ की मदद से मैं स्मच करूँगी। और साइड में मतलब केक जो है पूरा प्लेन है, कोई ब्रश की मदद से पैटर्न वगैरह कुछ नहीं है। तो जितना हो सके आपको प्लेन करना है, तो अब मैं प्लेन कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो तो आप लोग देखते हो, लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ यह कर दिया करो, तभी मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि मुझे भी लगेगा कि मेरा काम आप लोगों को अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करो और शेयर भी करो कि सब कोई देख पाए। तो ये रहा न्यूट्रा जेल में मैंने ब्लू कलर ऐड किया, और इसी तरह ड्रिपिंग में बना रही हूँ। तो ड्रिपिंग जब भी बनाओ ना, तो साइड में अगर कोम करके ड्रिपिंग बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन था जो कस्टमर ने भेजा था मेरी फ्रेंड ने, तो इसमें नहीं था, तो मैं इसीलिए कोम नहीं किया। अब मैंने छोटा वाला स्टार नोजल ले लिया है और इसी तरह सी बनाते हुए 4 रोजेज मैंने बना दिया है छोटा छोटा। और ये रहा और एक स्टार नोजल, जो शेल वाली डिज़ाइन होती है ना उसी तरह की। तो मैं डॉट डॉट कर रही हूँ और छोटा वाला छोटा जो है स्टार बन गया है। और साइड में भी ऐसी इसी तरह की जो है रोजेस थी, तो इसको भी मैंने मतलब फ़ोटो जैसी थी मैंने कोशिश किया कि सेम टू सेम बनाओ, तभी देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। अभी छोटा स्टार नोजल से डॉट डॉट कर दिया है, और मुझे ना थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने जो है और थोड़ा न्यूट्रा जेल ड्रिपिंग कर दिया है। और अभी मैं क्या करूँगी, जो व्हाइट पर्ल थी है बड़ी वाली, तो इसको मैं जो है छोटी छोटी जो मैंने स्टार बनाया है उसकी जो टिप्स है उसके ऊपर इसी तरह से प्लेस कर दूँगी। और मेरे पास ना छोटा जो स्प्रिंकल आते हैं ना वाइट वाली, वो नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक जुगाड़ तरीका निकाला, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अभी नहीं था तो मतलब तभी मुझे पता चला कि नहीं है, तो अभी मैं क्या करती, टाइम भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पाइपिंग बैग के अंदर व्हाइट कलर की क्रीम ले लिया है और आगे से छोटा सा एक कट कर दिया है।
और इसी तरह डॉट डॉट करते हुए जो जितनी साइज़ की छोटी वाली बीट्स आती है ना उसी साइज़ की मैंने छोटा छोटा डॉट डॉट कर दिया है। और दूर से दिखने से मतलब स्प्रिंकल ही लग रहा है, बस उसमें जो ग्लेज है वो नहीं है, लेकिन स्प्रिंकल का काम मेरा हो गया है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, जितनी जितनी मतलब बाकी एरिया में मैंने डॉट डॉट कर दिया है जैसे डिज़ाइन थी मैंने वैसे ही बनाया है। और अभी साइड में मैं वाइट मोती लगाऊंगी बड़ी वाली, और छोटी वाली जो स्प्रिंकल आती है ना वो मुझे लाना है, मतलब मेरे पास नहीं है तो मार्केट जाने से मैं ले आऊँगी, क्योंकि वो अगर आप केक के ऊपर अप्लाई करोगे ना केक की मतलब लुक जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद साइड में भी मैंने छोटा छोटा डॉट डॉट कर दिया है वाइट स्प्रिंकल के जैसा, तो आप देख सकते हो ऐसे ही लग रहा है ना। तो ये वाला जो कलर है बहुत ही सुंदर सा कलर है मैंने बताया। तो ये रहा फाइनल लुक केक की, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाली है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।